आज ऐसी मुसीबत आ गई ना, इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला देख रहा होगा मेरा वीडियो तो वो पहचान लेगा कि ये क्या है। है 2 जनवरी साल का दूसरा दिन। सुबह सुबह उठ के हमने अपने लिए चाय रख दिया। इसमें मैंने कल दूध गर्म किया था, बाकी दूध मैंने बचा के रख दिया है और यहाँ पे रख दी मैंने चाय। अब इसमें पत्ती और चीनी डालेंगे, चाय पत्ती एंड चीनी। तो इन डब्बों में रखी है मैंने चाय पत्ती, ये बहुत बड़ा डब्बा है, इसमें चाय पत्ती कम है। तो चाय पत्ती चीनी डालते हैं। जैसे ही सुबह सुबह ऑफिस में आई और यहाँ देखो, वैसे ही आज मंगलवार है और बंदरों की लाइन लग चुकी है। तो जय बजरंगबली, दिखाती हूँ, ये पहचान के कोई बता देना ये क्या है, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगी। इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला देख रहा होगा मेरा वीडियो तो वो पहचान लेगा कि ये क्या है। बाकी जो मेरे साथ के आईटीआई वाले हैं वो देखेंगे, वो भी पहचान ना, वो भी नहीं पहचानेंगे यार, हमने वहाँ देखा ही नहीं वाला। वो इसका नाम जानते होंगे, बट नाम जानते हैं हम, पर हमने कभी देखा नहीं था, यहीं देखा मैंने। आज ऐसी मुसीबत आ गई ना, आज गाड़ी नहीं है, गाड़ियों का जाम है और कैसे जाना है घर, गाड़ी नहीं है। अब मैंने इनको बुला रखा है कि मेरे को लेने आओ तो आएंगे, तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। पर आज गाड़ी नहीं है क्योंकि गाड़ियों की सब जगह हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं चले। सुबह में एक गाड़ी वाले ने ना, मैंने बोला कि मेरे को ले जाओ, उन्होंने कहा ना 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 आज किसी के ले जाना। मैंने कहा भैया प्लीज़ मुझे थोड़ा दूर तक ले जाओ। और स्कूटी ना सीखने का ये नुकसान है मेरा, मुझे स्कूटी तब से सीखी नहीं, मैं 4 महीने हो गए हमारी स्कूटी को, पर मैं स्कूटी सीखी नहीं, ना सीखने का भुगतान हो रहा है ये। और आज गाड़ी है नहीं, अब मैंने इनको बुलाया है कि मेरे को लेने आना। और छुट्टी का टाइम हो गया 10-20 भी कहूँ, 15 मिनट बच रखे हैं जाने के लिए, और तब तक ये आ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो मैं आज चले जाती हूँ रोड तक, मिल जाएगी गाड़ी, वैसे तो नहीं मिलेगी पर वैसे आ जाएंगे ये, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि सारे चले गए हैं, सारे स्टाफ के चले गए हैं और मैं ही हूँ तब तक के लिए, हूँ 5 बजे तक। यहाँ पे चौराहे पे मैं इनको रुक रखी हूँ, पर अभी आए नहीं, पता नहीं कब तक आते हैं। मैंने यहीं पे से सब्जी भी ले ली है शाम के लिए, बाजार नहीं जाना। और आगे अब ये हम चलेंगे घर। मैं ऑफिस से आई और बाहर इतनी सर्दी हो रही है, और हम स्कूटी से आए तो हमको बहुत ज्यादा सर्दी लगी, इसलिए मैं आके तुरंत चाय रख दी यहाँ पे। और बाहर मशीन भी चल रही है ना, बहुत ठंडा हो रहा है उससे, पता नहीं बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी मुझे नहीं मालूम। और आज मैं लंच नहीं ले गई थी तो इतनी खतरनाक वाली भूख लग गई ना मुझे, और ये बच रखी है सुबह की बासी रोटी, ये गेहूँ की नहीं, थोड़ा इसमें मैंने कोदे का आटा भी मिला रखा है, और इसमें लगाऊंगी मैं चीनी और घी, बचपन की वाली जैसी है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। बचपन में करते थे, बचपन में तो चीनी में खाते थे ना सिर्फ रोटी, पर अभी मैं घी भी मिलाऊंगी थोड़ी सी इसमें, वैसे पिघला वाला घी नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी, बड़ा टेस्ट आता है। भूख में होता है खाने का स्वाद, अगर भूख ना हो ना तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता है, और भूख हो तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। आज मेरे को तबली वाली भूख लग गई क्योंकि आज लंच न ले जाने का नतीजा, मैंने सोचा नहीं लगेगी क्या पता भूख, तो अगर मेरे को ना भी मिले ना दिन भर तब भी मुझे भूख नहीं लगती है। पर अभी मैं चाय के साथ रोटी में चीनी और घी। इतना टेस्ट आ रहा है ना बासी रोटी में, तुम रोटी हो चीनी घी, और मैं एक बनाऊ तुम पे इनको तो नहीं लगे भूख, इन्होंने शायद दिन में बाहर खा लिए होंगे ना इसलिए। हमारी डिनर बनाने की तैयारी हो चुकी है, और हमने सबसे पहले मटर लाई थी मैं 1/2 किलो, और पूरे मटर मैंने छील दिए हैं, मैं इनके पास ले गई कि तुम भी छिलो, पहले बोला ला ला मटर छीलने के लिए, और मेरे साथ मटर नहीं छीले, और फिर मैंने पूरे मटर ही छील दिए, क्योंकि जब कभी ऑफिस जाना होता है ना तो देर हो जाती है, मटर छिले रहेंगे थोड़े थोड़े निकालने के लिए होते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर स्टोर कर रख रख दिए हैं टिफिन में, और इतने सारे यूज में अभी
और अभी मिक्स सब्जी बनेगी, मटर आलू और गोभी की, फूल वाली गोभी है। पत्ता वाली गोभी मुझे अच्छी नहीं लगती है, फूल वाली गोभी अच्छी लगती है, थोड़ी सी अच्छी लगती है, पत्ता वाली तो एक भी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी डिनर बनाने की तैयारी हो रही है, प्रेशर वाली मटर की सब्जी बनाऊंगी, कढ़ाई वाली तो डेली खाते हैं, कभी कभी प्रेशर वाली भी बन लीजिए। और पौधे की रोटी बनाऊंगी मैं, आई मीन मंडवे की रोटी। किसी किसी को पौधा समझ नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि हर जगह अलग अलग बोलते हैं। तो भाई मेरा खाया मैंने मड़ुए का आटा, तो थोड़ा सा इसको निकालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काला है ना, ज़्यादा नहीं निकालूंगी। और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाऊंगी इसे। अभी मैंने आटा भी गूंद लिया है, थोड़ा सा गूंदा है इसमें, 5 या 6 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्जी भी यहाँ पे बनी रही है। तो चलो तब तक हम बाहर चलते, आराम से बैठे रहते हैं। ये बनी मेरी गोल गोल हाथ से बनी हुई मड़ुए की रोटी। अरे तवा बहुत गर्म हो रखा था, ये जल्दी से एक साइड पक गई। अभी मैं इसको थोड़ी देर में पलट दूंगी, इतनी जल्दी ये एक साइड पक भी गई। और ये फूली हमारी रोटी, बहुत रेयर कम केसों में फूलती है मड़ुए की रोटी। मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला रखा है, पर फिर भी हमारी रोटी अच्छी बन चुकी है। ये देखिए गाइस, ये आई हमारी सेकंड गोल गोल हाथ से बनी हुई रोटियां। ठीक है, इनको बेलन में नहीं बेला है, हाथ से बनी हुई है ये। फाइनली सारी रोटियां बना ली है, और अब ये लास्ट रोटी है। दोस्तों यहाँ फिर से गगड़ाहट शुरू हो गए हैं, बाहर मशीन चल गई और गगड़ाहट शुरू हो गए। मैंने अभी खा लिया और किचन में सफाई भी कर दी, बर्तन भी धुल दिए हैं और सफाई भी पूरी तरह से हो गई। यहाँ से करो लाइट बंद। फिर से बाहर मशीन चलने लगी और जोर जोर से हल्ला हो रहा है, पता नहीं देखते हैं क्या होता है, कब तक चलती है। कल रात को नहीं चल रही थी, थोड़ी चली आधी रात, पता नहीं किस टाइम पर चली होगी। आज फिर से मशीन अभी से चलने लग गई है, और पता नहीं कितनी देर तक ये शोर होता रहेगा, वो तो चलो होता रहेगा। तो आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।